डीएसएस बोले तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की और दोस्तों जानेंगे कि ये डीएसएस क्यों जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए और किस तरीके से हमें ये बेटर डिसीजन देने में हमारी हेल्प करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो दोस्तों आप लोग भी जानते हो कि पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहे हैं बिजनेस वो है अलग अलग कैटेगरीज के और दोस्तों अलग अलग डोमेन्स के अंदर अलग अलग तरीकों से होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि आपके पास यहाँ पर मार्केटिंग रिलेटेड होते हैं, कुछ बिजनेस आपके पास ऐसे हैं जो कि आपके पास इंडिविजुअली जो आपके पास एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो स्टार्टअप लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बिजनेस जो है वो ओवरऑल बिजनेस कैटेगरीज के अंदर ही रहता है और ऐसे में आप जो है कंप्लीट अपने बिजनेस को हैंडल करके रहते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ ना इन तरह तरह के बिजनेस की, तो दोस्तों यहाँ पर जो DSS है यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वो हमारी मदद करता है डिसीजन के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर जो डिसीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, दोस्तों यहाँ पर आपके पास एजुकेशन के लिए हो या कि आप करियर के लिए हो या फिर यहाँ पर आपके पास इवन बिजनेस के लिए हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आप एक कंपनी को रन कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी कंपनी मान लो 15 या फिर 20 साल के अंदर किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट करके आप जो किस तरीके का टर्नओवर आप जो यहाँ पर करोगे, तो ये जो है वो कंप्लीटली डिसाइड करता है आपके उस डेटा पे जो कि आज आपने कलेक्ट किया है। और दोस्तों आने वाले 15 सालों में या फिर मान लो आने वाले 20 सालों में या फिर मान लो 25 या फिर 30 सालों में वो जो है आपके पास किस तरीके से आगे देखने को मिलेंगे और आपके प्रोडक्ट की आगे कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा वर्थ है, वो डिसाइड करेगा आपका आज कलेक्ट हुआ हुआ डेटा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप भी जानते हो कि जो लोग कंप्लीट वो रखते हैं अपने अलग अलग परसेप्शन। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में भारी नहीं पड़ेगा तो डेफिनेटली वो आप पे भारी पड़ेगा और दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कंपनी कंप्लीटली फ्लॉप कर जानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ क्लेवर कंपनीज हैं जो कि जो है ऐसे काम करती है कि मतलब यहाँ पर यूं सोचोगे जैसे कि आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेता हूँ मैं, गूगल का नाम लेता हूँ, दोस्तों वो काफी कमाल की कंपनीज हो। दोस्तों यहाँ पर इन कंपनीज का जो कंप्लीट यहाँ पर बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर ये कंपनी जो है उनके प्रोडक्ट जो भी यूजर यूज करता है उनको जो है वो अलग अलग ऑफर्स भी देते हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स देते हैं, जिससे जो है वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ जो है यहाँ पर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की। अब दोस्तों यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS को समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी एक कमाल की एग्जांपल। अब दोस्तों एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर दोते हैं दो दोस्त और दोस्तों वो दोनों दोस्त अलग अलग कंपनीज को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों एक जो है वो यहाँ पर परफ्यूम को लॉन्च कर रही है और दोस्तों एक जो है वो आपके पास यहाँ पर पीसीज या फिर कंप्यूटर्स वगैरह को लॉन्च करती है। अब दोस्तों प्रोडक्ट जो है वो आप भी जानते हो कैटेगरीज अगर हम करें तो दोनों अलग अलग है, काफी ज्यादा डिफरेंट है, कंप्यूटर अलग चीज है, परफ्यूम अलग चीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो अपने दोनों प्रोडक्ट्स को करते हैं मार्केट में लॉन्च। और दोस्तों ऐसे में क्योंकि हम जानते हैं कि जो मटेरियल कंप्यूटर वाली कंपनी वाला जो दोस्त है उसने लिया है अपने कंप्यूटर को बनाने के लिए और जो आपके पास मटेरियल जो यूज किया है जो केमिकल्स उसने यूज किया है अपने परफ्यूम को बनाने के लिए। अब दोस्तों क्वालिटी वाइज आपको क्या लगता है कि किस दोस्त की जो कंपनी है वो स्केल अप करेगी, किस दोस्त की कंपनी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल बनेगी आज की इस चैलेंजिंग मार्केट के अंदर? अब दोस्तों ये तो कहने वाली बात है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उस दोस्त की कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुल बनेगी जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो लोग जो है उनकी पैसे की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर वो उसी चीज को पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उन्हें ये अच्छी चीज मिलेगी और जहां पर जो है उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों लोग जो है वो अपना प्रॉफिट भी देखेंगे तो ऐसे में उनको अच्छी चीज चाहिए और दोस्तों उनको जो है यहाँ पर काफी कमाल का प्रोडक्ट चाहिए। तो ऐसे में आप को मैंने एग्जांपल दी कि दोनों दोस्तों ने जो कंपनी है वो तो सेम स्टार्ट की थी लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर आया प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेटा जनरेट हुआ उस डेटा ने दोनों को बताया कि आपकी कंपनी कितना ज्यादा आगे बढ़ सकती है, मतलब जिसने परफ्यूम लॉन्च किया था उस दोस्त को बताया कि आपकी कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है और जिसने जो है आपके पास कंप्यूटर को लॉन्च किया था उसको भी बता दिया डेटा ने उसके कलेक्ट किए हुए कि भाई आपकी कंपनी आगे आने वाले 15 या फिर 20 सालों में कितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी या फिर वो जो है वो इतने सालों के बाद फ्लॉप हो जाएगी। अब दोस्तों आप भी जानते हो कि जो आपके पास यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अलग अलग तरीकों से नई नई चीजों को मार्केट में लेकर आती हैं, अलग अलग पेटेंट्स उनके पास रेडी होते हैं और दोस्तों उन पेटेंट्स को वो जो है वो कन्वर्ट करती है रियलिटी के अंदर, यानी कि उनको जो है यहाँ पर कन्वर्ट करती है बनाती है
और दोस्तों ऐसे में जो कंप्यूटर की ऑडियंस है, जो कंप्यूटर के कस्टमर्स हैं, वो ऐसे में खुश होते हैं दोस्तों, यहाँ पर उनका जो काम है वो यहाँ पर एकदम प्रिसाइसली कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिसीजन, अब डिसीजन कैसे वो लेती है भाई, अब डिसीजन वो इस तरीके से लेती है कि यहाँ पर आपके पास जो कंपनीज हैं, जैसे कि मान लो गूगल है, अब गूगल जो है, गूगल अपने डेटा से डिसीजन लेती है, अपने डेटा से सीखती है, जो डेटा यहाँ पर कलेक्ट होता है, जो डेटा यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स से, उनके सॉफ्टवेयर से यूज करने के बाद में कलेक्ट होता है, उन सब वो सीखती है कि हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज के अंदर प्रॉब्लम की थी, कौन सी चीज हमने यहाँ पर जो है वो मिस कर दी, कौन सा फीचर था जो हमें डाला था जो हमने मिस कर दिया, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी छोटी छोटी चीजों को जो है ना वो यहाँ पर ये लोग देखते हैं, यहाँ पर लोग प्रिसाइसली नोटिस करते हैं, इसीलिए जो है इन कंपनीज का नाम अभी तक मार्केट के अंदर ठहरा हुआ है। अब दोस्तों यही डिफरेंस है, यही यहाँ सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर एक छोटी कंपनी और एक बड़ी कंपनी को जो है वो आपस में एकदम अलग अलग बनाती है, डिफरेंट करती है। और दोस्तों ऐसे में जो छोटी कंपनी होती है वो जितना है उतने में खुश रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास बड़ी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को आए दिन इंप्रूव करने की कोशिश करती रहती है, अपने सॉफ्टवेयर को आए दिन इंप्रूव करने की कोशिश करती रही है, अपने जो कंप्लीट यहाँ पर मार्केटिंग प्रोसेस है, आपके पास कॉस्मेटिक्स होंगी या फिर आपके पास यहाँ पर परफ्यूम्स होंगे या फिर मान लो आपके पास यहाँ पर अगर क्रॉकरी वगैरह होगी तो उनको भी जो है अगर वो सेल करती है, जैसे कि आपके पास मान लो सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट की, तो वो आ गई अमेजोन, ठीक है, अमेजोन के अंदर आपके पास वो आ गए, अमेजोन जो है वो काफी बड़ी मार्केट है, सब लोग जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर अमेजोन के अंदर भी कोई खामियां होंगी तो वो उनके डेटा के थ्रू उनको पता चलेगी और वो जो है वो बेटर डिसीजन लेंगे, बेटर डिसीजन लेके वो अपने प्रोडक्ट को जो जिसके अंदर उसको प्रॉब्लम दिख रही है कि आने वाले 15 या 20 साल में जो है इसकी डिमांड गिर जाएगी, तो ऐसे में उसको और इम्प्रूव करेंगे और नई जो है यहाँ पर डील्स आएंगे जिससे जो है कस्टमर्स और ज्यादा बढ़ेंगे और उनकी कंपनी ओवरऑल जिस लेवल से है उस लेवल से ऊपर ही चली जाएगी। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया होगा, जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को समझाई, वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। तो यार दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए गुड बाय।